हेलो फ्रेंड्स, कितना यमी सी और डिलीशियस हमारा पोटैटो फिंगर बन कर के फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो आप भी इस रेसिपी को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से घर पर। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पे हमने आलू छील लिया है और किसी इस प्रकार से इसके हम फिंगर काट करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम चाकू से फिंगर काट रहे हैं। अगर आपके पास फिंगर काटने वाला स्लाइसर है तो आप उससे काट सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह से कुछ बना रहे हैं पीसेस और इसी तरह से हमको सारे काट लेने। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा से कट के तैयार हुए हैं। इनको हम पानी में रख लेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पानी में रखेंगे, नहीं तो हमारा आलू जो है तो वो काला हो जाएगा, इसलिए हमको इसी पानी में छोड़ते जाना है। तो इसी तरह से हमको सारे फिंगर काट के तैयार कर लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में एक आलू हम आपको काट के दिखा रहे हैं ताकि आपको भी बनने लगे फ्रेंड्स, और अच्छे से आप भी काट सकें अपने घर पर। तो बहुत ही आसान है रेसिपी बनाना, फटाफट से चाय के साथ आप सुबह बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे पोटैटो फिंगर काट करके तैयार कर लिए हैं। उनके 2 से 3 पानी धुल के अब इनको हम बाहर कर देंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे और सफ़ा हमारे सफ़ेद हो चुके हैं। पानी में डालने से कितने अच्छे लगते हैं देखने में, अगर बाहर रहते तो इतने सफ़ा नहीं रहते। इनमें जो है तो हल्का हल्का इनका कलर डल हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू कट करके तैयार हैं। इनका हम पानी बाहर कर देंगे और फिर हम बनाना शुरू करें। देखिए फ्रेंड्स, नीचे कितना सारा पानी है। तो आइए अब यहाँ पे हम जो सामान है वो मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है फूड कलर, जो कि सभी लोग बाजार जैसा हमको बनाना है यहाँ पे पोटैटो फिंगर, तो इसलिए हमें बाजार जैसा कलर भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने फूड कलर 3 से 4 चुटकी ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें अच्छे से कलर आ जाए। तो हाथों से ही मिक्स करना है फ्रेंड्स, स्पून की सहायता से या और किसी से नहीं मिक्स करना है, डायरेक्टली हाथ से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे चावल का आटा 2 से 3 टेबल स्पून। तो यहाँ पे मैंने चावल का आटा घर पर ही पीस करके तैयार किया। अगर आपको ये रेसिपी देख रही है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम पूरा भुना हुआ जीना पाउडर, सौंफ पाउडर और काला नमक, अजवाइन, यहाँ पे हम सारी चीज़ें भूंज करके ऐड कर रहे हैं, भुना हुआ है। तो यहाँ पे अब हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून यहाँ पे ऐड कर देंगे बेसन, ताकि बहुत ही क्रिस्पी और करारे पोटैटो फिंगर बन करके तैयार हों। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अब हम इनको हाथ से ही मिक्स करेंगे और चलते हैं गैस की तरफ। इनको अब हमें फ्राई करना है, डायरेक्टली फ्राई करना है, रखना नहीं है, नहीं तो नमक पड़ा है इसमें जो है तो तुरंत से पानी बन जाएगा। तो इसलिए हमें इनको रखना नहीं होता, बस जैसे ही मिक्स किया जाएगा तुरंत इनको कढ़ाई में छोड़ देना चाहिए, रुकना नहीं है। अगर आप इनको बाहर रुक जाएंगे तो ये तुरंत पानी छोड़ने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर नमक ऐड किया जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई में तेल रख दिया है, तो कुछ इस प्रकार से हमको तेल चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ज़्यादा एक साथ ऐड नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े करके ऐड करेंगे और इनको अच्छे से फ्राई होकर के क्रिस्पी करने तक पका लेंगे। और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं पकाना, नहीं तो बहुत देर लगेगा और गैस भी बहुत लगेगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये देखिए अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं और इनको एक बार अच्छे से चला लेंगे। तो इसी प्रकार चलाते हुए इनको हमको क्रिस्पी होने तक पकाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पोटैटो फिंगर अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर कर लेंगे और किसी टिश्यू पेपर में प्लेट में निकाल लेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे, नहीं तो इनका जो एक्स्ट्रा तेल है वो प्लेट में आ जाएगा। तो इसलिए हमें पेपर रख करके इनको रखना है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे जो बाकी बचा हुआ है उसको भी हम बना लेंगे, अभी के लिए हम धीमा कर देंगे। तो आइए फ्रेंड्स, सर्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने वाव, कितने डिलीशियस से हमारे पोटैटो फिंगर बन करके तैयार है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।